मैं माला चटर्जी किचन से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये बथुआ की कचौड़ी। ये बथुआ साग की कचौड़ी। इसको पहले मैंने कैसे बनाना है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने आधा गाठी बथुआ साग लिया है, उसको मैं गरम करके इसको जरा नरम कर लूंगी। आग में पहले थोड़ा सा भाप देके इसको मुझे नरम कर लेना है। इसके लिए मैंने ये हाफ इंच अदरक, हाफ इंच अदरक लिया है मैंने। चार लहसुन लिया है, देखिए चार लहसुन, और 1.5 टीस्पून सौंफ, इसको मुझे दे देना है इसमें। ये लहसुन तो मैंने दे दिया, ये सौंफ भी मैंने दे दिया। अब मुझे अदरक, काट के मुझे दे देना है। जिसके कवर कर देना है, 2 मिनट पक जाए उसके बाद मैं खोलूंगी इसको कवर को। ये देखिए मेरा साग बॉईल हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, फिर इसको पीस लूंगी, फिर आटे में इसको गूंथना है। ओके, फिर हम 5 मिनट के बाद आ रहे हैं। ये देखिए मेरा ये बथुआ साग पिस गया है। अब मैं इसे सानूंगी। इसको सानने के लिए मैंने कुछ मोयम दूंगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। इतना मैंने मैदा लिया है, इसमें 1 टीस्पून नमक, वन फोर टेबल स्पून मैंने और नमक ले लिया थोड़ा। अब 1 टीस्पून मैंने हींग लिया है। टू टेबल स्पून मैंने तेल दिया मोयम के लिए। अब मैं साग को आटे में मिला के सानूंगी। ये देखिए ये मेरा बथुआ साग तैयार है। इसको मैंने मिलाना है। ये मैंने मिला दिया है। इसमें क्या पड़ा है ये आप अपने पसंद से हरी मिर्च को दे सकते हो, लाल मिर्च दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं। तो इसको अब मुझे सानना है। इसी से पानी नहीं होता है इसमें, अगर पानी 1 चम्मच 2 चम्मच लग जाए, नहीं तो पानी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। बस ऐसे ही मैंने मिला के इसको सान लेना है, गूथ लेना है, डो बना देना है। डो बनाने के बाद अब मैं कचौड़ी तलूंगी, क्योंकि हींग दिया हुआ है, हींग दिया हुआ है, सौंफ दिया हुआ है। ये कचौड़ी बहुत अच्छी है, हेल्दी है, टेस्टी है और खाने में लाजवाब। ये मौसमी है, ये मौसम इसी मौसम में इसको मिलता है, इसीलिए इसका भी जायका लेना चाहिए।
ये देखिए, ये मैंने सान लिया, एक डो बना रही हूँ पूरी का डो, पूरी कचौड़ी। डो बना के मुझे कचौड़ी तलना है। सौंफ भी पीस गया है, अदरक पीस गया है और लहसुन भी पीस गया है। मेरे ख्याल से 2 चम्मच, इसी में 2 चम्मच मुझे पानी से इसको सानना पड़ेगा। संडे का स्पेशल मेरा ब्रेकफास्ट यही है, बथुआ की कचौड़ी। ये मेरा डो तैयार हो रहा है। थोड़ा सा और पानी दूंगी। इधर मैंने तेल बैठा दिया है, तेल गर्म हो रहा है। ये डीप फ्राई होना है तो थोड़ा ज्यादा ही तेल लगता है। इसका रायता भी बनता है, बहुत अच्छा रायता बनता है, वो भी बहुत हेल्दी है। रोटी के संग लीजिए, पूरी के संग लीजिए। ये रायता, वो मैं बाद में आपको दूसरे रेसिपी में आपको बताऊंगी। बथुआ का रायता बहुत जायकेमा है। ये देखिए मेरा डो तैयार है। अब ये देखिए, अब मेरा ये तैयार है। अब मेरी कचौड़ी बनने जा रही है।
ये मेरा कोड़ा टॉस चल को ये देखिए इस तरह मैंने बेला है ना। अब इधर से इसको ऐसे आप छोड़िएगा, ये देखिए ये कचौड़ी तैयार है। ये देखिए ये कचौड़ी
देखिए मेरे बथुआ की कचौड़ी तैयार है, खाइए खिलाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। अगले रेसिपी के लिए फिर मिलूंगी।